हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगा अभ्यास हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बीमारियों से बचने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए हमें योग करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत सारे योग अभ्यास और उन्हें करने की विधियाँ। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है ये, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी था। आप जानते हैं कि योग जो है कितना आवश्यक है और पूरे विश्व में इसका कितना बड़ा महत्व है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की योगाभ्यास क्या हैं और उन्हें कब कैसे करना चाहिए। लेकिन इसके पहले आग्रह करूँगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। यह है एक पुस्तिका है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये छपी हुई पुस्तिका है। और हम आपको बताते हैं जो है कि इसमें कौन कौन से जो है योगाभ्यास दिए गए हैं और उन्हें हमें कब करना चाहिए। तो सामान्य योग अभ्यास क्रम प्रोटोकॉल, 21 जून एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। आयुर्वेद रोग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यह बुकलेट जारी की गई है। भारत सरकार 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सामान्य योग अभ्यास क्रम प्रोटोकॉल, सामंजस्य एवं शांति के लिए योग, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार। सामान्य योग अभ्यास क्रम, दोस्तों प्रातःकाल योग करने के पहले मंगलाचरण वंदना। योग का अभ्यास प्रार्थना के मनोभाव के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यास से अधिकाधिक लाभ होता है। ओम संग गच्छध्वं, संग बदध्वं, संग ओम मनांस जानताम, देवाम भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। फिर पहला योग अभ्यास है दोस्तों, सदलज चालन क्रियाएं शिथिलीकरण अभ्यास। सदलज चालन क्रिया शिथिलीकरण के अभ्यास शरीर में सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस अभ्यास को खड़े होकर या बैठकर किया जा सकता है। ग्रीवाचालन, ग्रीवा शक्ति विकासक, शारीरिक स्थिति समस्थिति अभ्यास विधि। क्या करेंगे इसके लिए? प्रथम चरण में आगे तथा पीछे की ओर झुकना, खिंचाव, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। पैरों में 2-3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास सम स्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक् ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं वो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इस विधि को और 2 बार दोहराएं। द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकना, खिंचाव। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इस विधि को 2 बार दोहराएं, जैसा चित्र में दिया गया है। फिर इसका तीसरा चरण है, दाएं एवं बाएं घूमना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में आ जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इस विधि को 2 बार दोहराएं। फिर इसका चौथा चरण है, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा 1 बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा यानी गर्दन को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इस विधि को भी 2 बार दोहराएं। ध्यातव्य, ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाना चाहिए, अधिक नहीं खींचना चाहिए।
कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। जिन लोगों को ग्रीवा में पीड़ा हो वह यह अभ्यास धीरे धीरे करें, खासकर वह सिर को उतना ही पीछे ले जाए जितना आरामदायक हो। अधिक उम्र के लोगों और जीर्ण सर्वाइकल स्पंडलाइटिस की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा आता है स्कंध संचालन। शारीरिक स्थिति, सम स्थिति, सजग स्थिति, चरण एक, स्कंध खिंचाव अभ्यास विधि। पैरों को एक साथ मिलाकर शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ ले जाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। चरण दो में स्कंध चक्र यानी स्कंध चालन में सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें, उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दो बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दो बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इससे लाभ क्या होगा दोस्तों? इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक सर्वाइकल स्पंडलासिस बीमारी को दूर करता है और स्कंध संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। फिर आता है कटी चालन। कटी चालन कटी शक्ति विकासक शारीरिक स्थिति, सम स्थिति, सजग स्थिति अभ्यास विधि। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थित में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थित में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे कि बाएं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थित में वापस आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अभ्यास के बाद सम स्थित में शिथिल हो जाएं। ध्यातव्य, श्वास के सामंजस्य के साथ इसे धीरे धीरे करें। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानीपूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द तथा डिस्क व्याध से ग्रसित व्यक्ति को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। फिर आता है घुटना संचालन। शारीरिक स्थित, समस्थित, सजग स्थिति अभ्यास विधि। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और अपने शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। ध्यातव्य, घुटनों और कूल्हों के जोड़ों के को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। अर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। फिर आता है योगासन। पहला, खड़े होकर किए जाने वाले आसन जिसे कहते हैं ताड़ासन। ताड़ वृक्ष की स्थिति में। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। अभ्यास विधि, सर्वप्रथम पैरों पर खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें, हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इससे लाभ क्या है? इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। सावधानी, जिन व्यक्तियों को अर्थराइटिस व वेरिकोज वेंस संबंधी चक्कर आने जैसी समस्याएं हों उन्हें एड़ियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर आता है वृक्ष आसन। वृक्ष की स्थिति में। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार को बनाती है, इसलिए इस आसन का यह नाम दिया गया है। अभ्यास विधि, वृक्ष आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं।
आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार छेद पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने में सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। सावधानी, कृपया आर्थराइटिस, चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास न करें। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैर की तरफ नीचे ले जाया जाता है। इस आसन के अभ्यास को उत्तानासन भी कहा जाता है। अभ्यास विधि क्या है? पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। सम स्थित में विश्राम करें। फिर आता है लाभ। इससे क्या है? मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। सावधानी क्या है? कृपया हृदय, डिस्क संबंधी विकार, उदर शोध, हार्निया, अल्सर, उच्च मायोपिया, चक्कर संबंधी रोग, ग्लूकोमा के समय इस अभ्यास को न करें। अर्धचक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है इसलिए इस आसन को अर्धचक्रासन कहते हैं। अभ्यास विधि, पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। इससे लाभ है कि अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां तथा मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सर्वाइकल स्पंडिलाइटिस के प्रबंधन में लाभकारी है। सावधानी, यदि आपको चक्कर आता है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। उक्त रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। त्रिकोण आसन। त्रिकोण शब्द का अर्थ है त्रि अर्थात तीन कोणों वाला आसन। चूंकि आसन अभ्यास के समय या धड़ बाहुओं एवं पैरों से बनी आकृति त्रिभुज के सदृश दिखाई देती है इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोण आसन कहते हैं। अभ्यास विधि, त्रिकोण आसन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़े हो जाना चाहिए। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। दाएं पैर के पंजों को दाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध मिलाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर ले जाना चाहिए। शरीर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली अंगुली को देखना चाहिए। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। लाभ क्या है? मेरुदंड को लचीला बनाना पिंडली, जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सावधानी, स्किल्ड डिस्क, साइटिका एवं उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर की कार्यक्षमता तथा सीमा से परे जाकर ना करें तथा शरीर को सीमा से अधिक ना खींचें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को ना छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। बैठकर किए जाने वाले आसन। भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होना। शारीरिक स्थिति, बैठी हुई स्थिति, विश्राम आसन। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। यह विश्राम आसन की स्थिति है। अभ्यास विधि, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ व कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है।
आप दोनों पैरों के तलों को पास पास ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें, श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नज़दीक हो सके ले आएं। यदि आपकी जंघाएं जमीन से नहीं लगी हुई हैं तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रखना चाहिए। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। लाभ: भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। गर्भावस्था में लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। सावधानी: पुराने तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाले अर्थराइटिस और साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। फिर वज्रासन, वीरासन। यह आसन ध्यान के अभ्यास के लिए किए जाने वाले आसनों में से एक है। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लें। शारीरिक स्थिति: दंडासन। अभ्यास विधि: दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं, हाथ आपके शरीर के बगल में हो तथा आपकी हथेलियां जमीन पर हों, हाथों की उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हों, दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ लें, पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों, पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ियां फैली रहेंगी, नितंब एड़ियों के ऊपर होना चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को क्रमशः दाएं घुटने पर रखें, मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। लाभ है: यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ और पिंडली के मांसपेशियां मजबूत बनाता है। सावधानी: बवासीर के मरीज को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अर्ध उष्ट्रासन: शारीरिक स्थिति बैठी हुई स्थिति में विश्राम आसन। उष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट। इस आसन में अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊंट की कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध उष्ट की स्थिति का ही अभ्यास किया जाता है। अभ्यास विधि है: सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं, पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं, पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों, कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें, अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें, श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं, जांघों को जमीन से लंबवत रखें, सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें, श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम आसन में शिथिल हो जाना चाहिए। लाभ: इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। सावधानी: हार्निया एवं उदर संबंधी गंभीर व्याधि तथा अर्थराइटिस चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चूंकि बुकलेट काफ़ी लंबी है इसलिए एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं है। मैं इसके PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा और इसके सहारे आप भी योग कीजिए। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।